नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं केशव शर्मा, आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। गाइज, मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ कि कोई भी शो आए, कोई भी रियलिटी शो आए जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकें, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि भाई कोई शो आ रहा है जैसे इंडियन आइडल। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, आप लोग पूछने के लिए जिज्ञासु रहते हैं, आप चाहते हैं भाई शो के अंदर हम कैसे पार्टिसिपेट करें, हमें कोई बता दे, कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी दे दे, तब भी आप उसको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं आपको क्या मिल गया हो। तो मैं आपको गाइज बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे पहली बात तो आपको किसी भी तरह की कोई फेक रिपोर्ट या फेक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है नहीं। तो हम आप लोग पूछते हो कि भाई आप बताते नहीं हो, आप बोल नहीं रहे, इसके ऊपर बताइए, डिस्कस कीजिए। अब सिंपल सी बात है, जब इंडियन आइडल के ऑडिशन अभी निकल ही नहीं रहे तो हम इसके ऊपर क्या आपको बताएं, किस तरह से आपको बताएं, हमारे समझ में आता नहीं है। और यूट्यूबर्स कैसे बता देते हैं गलत इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बट आज मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा था तो मुझे लगा कि क्यों ना इसके ऊपर आपको बताना चाहिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको बताया जाएगा कि भाई इंडियन आइडल में कैसे जाया जाए, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या वास्तव में आप लोग भी इंडियन आइडल के अंदर जा सकते हैं या फिर कोई धांधलीबाजी या फेक होता है या पैसे देने पड़ते हैं, इस तरह की कोई बातें हैं। आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप भी इंडियन आइडल जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर अपना जो टैलेंट है वो दिखा सके। तो गाइस, जो सबसे पहला जो कमेंट है, के निधि हैं, वो लिखती हैं, क्या एक म्यूजिक बैंड इंडियन आइडल में ऑडिशन दे सकता है क्या, प्लीज़ रिप्लाई करो। देखो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ के निधि, कोई भी अगर आपका म्यूजिकल बैंड है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट म्यूजिकली बैंड के साथ अगर आप सिंगिंग भी कर रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ बैंड को लेकर ये सिलेक्शन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए जब इनका फॉर्म आएगा और आपको वीडियो अपलोड करके डालनी है। तो देखते हैं कि भाई क्या होता है। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको म्यूजिकल बैंड के साथ अपना सिंगिंग भी करना होगा, तभी वो पॉसिबल हो सकता है। विदाउट सिर्फ बैंड को लेकर आप ये काम नहीं कर सकते। दूसरा गाइज, एक प्रीतम कुमारी लिखती हैं, प्रतिमा कुमारी, सॉरी अगर मैं नाम सही से नहीं रीड कर पा रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। बट वो बोलना चाहती हैं कि भाई बिहार में क्यों ऑडिशन नहीं होते। तो बिहार में ऑडिशन ना होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि एक तो बिहार जो लोकेशन है वो इंडियन आइडल यानी कि महाराष्ट्र से काफ़ी दूर पड़ जाता है। बट चलो ये लोकेशन भी कवर की जाए, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। बट जो बिहार की जो पॉपुलेशंस है, जो रियलिटी है, वो यही है कि बिहार में इतने ज़्यादा लोग एक्साइटेड नहीं होते इस तरह के शोज़ के अंदर जाने के लिए। वो अलग बात है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आ जाता है, जैसे कि ये लोग दिल्ली को टारगेट करते हैं, मुंबई को टारगेट करते हैं, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, गुवाहाटी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, या फिर अगर हम यूपी की बात करें तो बरेली हो गया आपका, नोएडा हो गया, इस तरह की जगहों पर ये टारगेट करते हैं जहां पर इनको ऑडियंस, साथ-साथ कॉम्पिटिटर्स, कंटेस्टेंट्स, ये सब देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए ये बिहार के अंदर जल्दी से नहीं करते। हालांकि अभी जो अपडेट है, हो सकता है कि भाई बिहार के अंदर आपका पटना हो गया या फिर मुजफ्फरनगर हो गया, इस जगह पर आपके ऑडिशंस होने की संभावनाएं बन रही हैं। बट अगर बनती हैं तो आरा, बलिया, छपरा, कहीं भी अगर होता है तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो गाइज लिखते हैं, यानी कि दिवादंगा, मैं देखो नाम सही से रीड नहीं कर पा रहा, उसके लिए माफी बोलना चाहूंगा भाई मेरे। तो इसके अंदर जो बोलते हैं कि भाई ब्रदर प्लीज गिव मी अ रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफ इंडियन आइडल, आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर, आई नो यू वॉन्ट टू बी अ सिंगर, बट अगर लिंक नहीं आ रहा तो हम कहां से अपनी तरफ से प्रोवाइड करें ब्रो, आप खुद सोचिए। देखो, लिंक आता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी अपडेट, कैसे फिल करते हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। बट अगर लिंक नहीं आता, अभी कोई ऑडिशन नहीं निकल पा रहे, तो हम अपनी मर्जी से लिंक बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही आपको किसी तरह का गुमराह या किसी तरह की पेड प्रमोशन करने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को आपको देखना है, ऑफिशियली अपडेट होती है वही हम कवर करने की कोशिश करते हैं ब्रो। तो हाँ, मैं आपको आइडिया बता सकता हूँ कि भाई आपको लिंक कब मिल जाएगा। अगर ये शो अभी भी चल रहा है तो इसका जो आपको मिलेगा अगस्त में देखने को, देखो पहले मैंने मार्च में बताया होगा शायद,
शायद, मेरे को आइडिया नहीं है मैंने मार्च बोला या नहीं बोला, बट अगर अगस्त में डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है इंडियन आइडल 2021 के जो ऑडिशंस होंगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार भी शायद अगस्त में हुआ था और उससे पिछली बार भी अगस्त में हुआ था, बट थोड़ा सा ना अगस्त से पहले हुआ था, जो 2020 के अंदर अगस्त में नहीं हुआ था, थोड़ा सा अगस्त में नहीं होता वैसे, क्योंकि अगस्त में हुआ इसके पीछे का रीज़न आपको पता है, कोविड सिचुएशन चल रही थी जिसकी वजह से ये जो टाइम थोड़ा डिले हो गया था, बट इस बार हो सकता है अगस्त से पहले भी देखने को मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते भाई। इसके बाद जो पुनिश है वो लिखते हैं भाई, जल्दी बताना। बिल्कुल भाई, पुनिश आपके लिए डेफिनेटली बताया जाएगा, अगर आएगा तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा हमारे ही चैनल पे। दूसरा गाइज, और हम देखो ऐसी जो अपडेट्स हैं जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको मैं नहीं उठाऊंगा, तो जो जो जरूरतमंद क्वेश्चंस हैं उन्हीं को उठाएंगे, जैसे कि माइक के लिए बोल दीजिए, बताइए भाई क्या है माइक, कौन सा लें। तो हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि देखो जब आप फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, तब ये तो नेम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एज हो गया, आप कौन से सॉन्ग पसंद करते हैं, आप कौन सी तरह का सॉन्ग गाते हैं, ये सब तो आप फिल कर लेते हैं, आपके लिए इजी भी रहता है। बट जब बात आती है वीडियो अपलोड करने की, यानी कि माइक से वीडियो बनाने की, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने की, तो कौन सा माइक लें, क्या सजेशन है वो मैं कहना चाहूँगा। बोया का माइक आता है जो 700-800 रुपये का मिल जाएगा, कॉलर माइक होता है, उसको लगा के आप एक क्वालिटी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, क्वालिटी वॉइस अपलोड कर सकते हैं। एक बात तो याद रखना, अगर आपकी जैसी वॉइस है वैसी अपलोड करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ते हैं, बट अगर आप फिल्टर लगाते हैं, इको लगाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, जो या जो बीट बॉक्सिंग हो गई ये आप लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी वीडियो के अंदर डिफॉल्टर साबित कर दिया जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको वीडियो बनानी है, क्योंकि 1 मिनट की वीडियो होगी, 50 MB से कम होगी, तो उस वीडियो के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी इको किसी भी तरह का कोई फिल्टर म्यूजिक के अंदर तो लगाना नहीं है, और वीडियो के ऊपर भी नहीं लगाना, क्योंकि वीडियो के ऊपर लगाओगे तो आपका फेस क्लियर नहीं आएगा, विजिबल नहीं आएगा, जो आपके फेस मार्क होंगे वो नहीं विजिबल होंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो वीडियो है वो डिसक्वालीफाई कर दी जाएगी, आप इस शो के लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, और भी डेप्थ में जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो और बना रखी है, आई बटन पे आपको उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, नहीं तो इस प्लेलिस्ट के ऊपर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा और क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं भाई, क्या क्या आप लोग कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई जो पैन कार्ड हो गया मेरा नहीं है तो क्या करें। तो अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लीजिए, और एज ग्रुप तो आपको पता ही है गाइस इसके अंदर क्या है, और जिनको नहीं पता कि भाई इसकी एज ऑफ ग्रुप क्या है तो मेरी वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे लोग अपनी एज को लेकर परेशान रहते हैं, जैसे कि अतेरियो बिस्वा मैम ने लिखा है कि सर देयर आर एनी एज बार, मतलब सर देयर इज एनी एज बार, मतलब ये कहना चाहते हैं कि मेरी एज 41 है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो सिंपल सी बात है, आपकी एज अबोव कितनी भी हो 18 से, आप एलिजिबल हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली फॉर्म भरिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, ऑडिशन दीजिए और सिलेक्ट हो जाइए इंडियन आइडल 2021 के लिए। तो रजिस्ट्रेशन का तो वेट आपको करना होगा, अगस्त तक वेट करना होगा, अपनी प्रिपरेशन कीजिए। देखो मैं आपको एक अच्छी एडवाइस देता हूँ, आपको 4-5 वीडियो बनानी है, जब जो 4-5 वीडियोज होंगी उसमें से फिर चेक करना है कि बेस्ट कौन सी है, और बेस्ट वीडियो को आपको रख लेना है संभाल के। आप जितनी मेहनत करेंगे 10 वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर से जो बेस्ट निकालेंगे तो काफी बढ़िया होगा, 20 वीडियो बनाएंगे उसके अंदर से एक बेस्ट निकालेंगे तो और भी बढ़िया होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वीडियो बनाते हैं उसको रख लीजिए, जब रजिस्ट्रेशन आएगा तो वही वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। एक तो ये मौका है आपके लिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा गाइस, कभी कभार क्या होता है, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आते हैं तो उसके अंदर आपको ये खुद बोलते हैं भाई इस सॉन्ग के ऊपर आपको क्या गाना गाना है, इस सॉन्ग के ऊपर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ये इस तौर पर फिर ये जो ट्रिक होती है, ये जो फंडामेंटल है, ये फेल हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी आपको फॉर्म को पहले ही पता लगाना है कि भाई क्या फॉर्म के अंदर क्या आ रहा है। तो कोई नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, 10 वीडियो बनाकर आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आप उस सॉन्ग को भी गाकर एक बार में अच्छा कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, 1 मिनट की वीडियो कैसे बनाते हैं इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, कंप्रेस कैसे करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कंप्रेस कर देंगे आपकी वीडियो को, मतलब कि 50 MB तक ले आएंगी, तो ये चीज आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो यार हमें कमेंट करके बताइए, हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे आपके लिए, आपको समझा देंगे, हमारा तो काम ही यही है कि भाई हम आपका सिलेक्शन करा सकें। तो गाइज आज तो मैं इतने से ही कमेंट लूंगा, क्योंकि इस कमेंट्स के अंदर बाकी तो सब आप लोगों ने यही लिखा हुआ है कि भाई कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे, कैसे क्या क्या है, सब कुछ यही लिखा हुआ है, सोनी ऐप पे आएंगे क्या नहीं आएंगे, बिग बॉस के बारे में बताओ, मतलब
देखो हमारे चैनल पे आपको ना ऑडिशन से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट मिलेंगी, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, रियलिटी शो हो, बिग बॉस हो, स्पेस विला हो, आपका एज ऑफ स्पेस हो, या फिर देसी कलाकार हो गया, आपका हसल्स हो गया, इस तरह के शोज आपको मिलते रहेंगे। वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी, ऑडिशंस की अपडेट मिलती रहेंगी, टेलीविजन, हॉलीवुड, टॉलीवुड, इस तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लिख लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।